ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था विभाजन एल्गोरिथम से कि एक पद में दूसरे एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर उसका गुणनखंड है या नहीं, ये आप लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो के अंदर तीसरा सवाल है 3x^4 प्लस 6x^3 माइनस 2x² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य है वो √5/3 और −√5/3। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद के अंदर जितने घात होते हैं उतने शून्य होते हैं, तो यहाँ चार घात है तो चार शून्य होंगे, पर दो शून्य हमें दिए गए हैं और दो शून्य इसके ज्ञात करने। तो देखिए ये दो हमारे पास शून्य के, शून्य का मतलब है कि एक्स बराबर कितना है √5/3। पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, एक्स बराबर −√5/3 इधर आया तो ये प्लस का हो गया। इस दोनों को आपस में गुणा किया, ए माइनस बी ए प्लस बी सर्व समीका से a² - b² तो ये x का मान a है और b का मान √5/3 है, तो √5/3 का स्क्वायर होता है वो 5/3 होगा, यानी √5 × √5 √25 √3 × √3 √9 तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 3 का वर्गमूल 9 हो गया, इसलिए x² - 5/3। अब है इसका है इस बहुपद के अंदर भाग देना। तो भाग देने की प्रक्रिया हमने पहले भी देखी है, वही प्रक्रिया है। इसलिए तो देखिए इसके अंदर बड़ी घात x^2 वाला पद और इसमें है 3x^4 वाला। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उस पद के बराबर करना है। तो x² को किससे गुणा करूं कि 3x^4 आ जाए, तो यहाँ मैंने गुणा किया 3x^2 से। तो 3x^2 से इस पूरे पद को गुणा करना है, तो इसको गुणा किया तो 3 और ये 2 और 2 कितने हो गए 4, क्यों गुणे में घातें जुड़ती है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 3x² × 5/3 तो 3 से 3 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5x², तो यहाँ लिख दिया 3x^4 −5x। अब घटाना है इसलिए चिन्ह चेंज कर दिया, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस का है तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब 6x³ अपनी जगह पर आ गया, ये प्लस के 5x² और माइनस के 2x², तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा है, तो प्लस के 3x² ज़्यादा है, ये माइनस है 10x, ये माइनस का 5। अब देखिए इसके अंदर सबसे यानी बड़ी घात वाला पद कौन सा है, 6x³, तो इस x² को किसे गुणा करूं कि 6x³ आ जाए, तो 6x से, तो 6x से गुणा किया मैंने तो 6x³ माइनस 6x × 5/3 और यहाँ प्लस माइनस क्या है माइनस आ गया। अब देखो 3 और 6 आपस में कट रहे हैं, तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया और 2x को 5 से गुणा किया तो हमारा 10x हो गया, और यदि माइनस गया तो माइनस के 10x, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6x³ और माइनस का 10x। यदि घटाना है तो चिन्ह चेंज कर लिया, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस का है तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 3x² हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस। अब देखो यहाँ x² है और यहाँ पद क्या है 3x², तो किससे गुणा करूँ कि हम लोगों को 3x² प्राप्त हो जाए, तो यहाँ मैंने 3 से गुणा किया, तो 3x² और 3 को 5/3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा 5 बचा, और माइनस है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ ये 3x² माइनस 5 हो गया, तो ये प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस, और दोनों को घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो गया शून्य प्राप्त हो गया। तो इसके अंदर ये हम लोग जानते हैं
कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं, जीरो, इसलिए कोई मतलब नहीं लिखने का। अब देखिए ये तो यानी इसके तो पहले ही हम लोगों को प्राप्त है। अब जो ये पद है, इस पद के अंदर तीन पद द्विघाती है, तो हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि हमें दो ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ने पर तो बीच का पद आना चाहिए और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल आया जाना चाहिए। तो मध्य पद तो 6x है और गुणा करते हैं तो 3 × 3 और दोनों प्लस के हैं, इसलिए प्लस के 3×9 x^2 चाहिए। तो मैंने लिखा है 3x + 3x, तो 3x और 3x जोड़ता हूँ 6x और गुणा करता हूँ तो प्लस, और प्लस हो गए है प्लस, और 3×3 9x², तो हमारी जो शर्त है उसका ये पालन कर रहा है। फिर मैंने बताया दो दो के समूह बनाना, तो ये एक समूह बन गया, ये एक समूह बन गया, तो यहाँ इस समूह के अंदर कॉमन क्या आ रहा, 3x, तो क्या बचा x और प्लस 1 बचा, 3x में 3x का भाग 1 बार, यहाँ कॉमन क्या आ गया इसके अंदर 3, तो 3x में 3 का भाग दिया x और 3 में 3 का भाग दिया, इसको लिख दिया x + 1, 3x + 3, तो दो शून्य तो ज्ञात ही है, दो अन्य शून्य, तो x + 1 यानी शून्य का मतलब है इसके बराबर क्या है, 0, तो x + 1 = 0, x = क्या हो गया -1, प्लस का है तो माइनस। अब दूसरा 3x + 3 = 0 या 3x = -3, x = -3/3 = - का ही, तो बहुपद के है वो अन्य दो शून्य हो गए -1 और -1, क्योंकि दो शून्य पहले ज्ञात है और दो शून्य के हो गए तो 4 शून्य हमें प्राप्त हो गए। देखिए चौथा सवाल है, यदि x^3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः हम लोगों के प्राप्त x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करना। अब देखो हम लोगों को भाज्य दिया गया है बहुपद, अब भाजक ज्ञात करना है gx, भागफल qx x - 2 ये दिया है, शेषफल rx ये दिया गया -2x + 4, विभाजन यूक्लिड विभाजन परमिका से हम जानते हैं gx × qx + rx = px, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य के बराबर। अब इसको पक्षांतर कर दिया, यह प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो गया, और ये गुणे में है qx, तो ये क्या हो गया भाग में चला गया। अब हमने संख्या जैसा है वैसा लिखा है px बहुपद, ये भाज्य हमने ये लिख दिया, अब शेषफल ये लिख दिया rx। अब ये हम लोगों का भागफल x - 2 लिख दिया। अब देखिए अब इसको सरल करते हैं तो ये तो सेम ही आता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस कर दिया है ये माइनस। अब जिसकी घात समान है, जो जुड़ता है घटता है, जैसी स्थिति है वैसा उसका काम करना, तो x^3 - 3x², अब देखो x ये है और ये प्लस का 2x और ये प्लस का x, तो कितना हो गया प्लस का 3x, ये प्लस के 2 है और माइनस के 4 है, तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा है तो माइनस के 2 ज़्यादा, और x - 2 है ही बटे में। अब भाग दे देते हैं तो ये लिख दिया है वो भाज्य के रूप में और ये भाज्य। अब पहले वाली वही बात है भाग देने का, बड़ी घात वाला कौन सा पद x^3 या x को किससे गुणा करूँ, x^3 आ जाए x^2 से, पूरे से गुणा किया यानी पूरे पद से, इस दोनों पदों से, तो x^3 - 2x² को है 2 को x² से गुणा किया तो माइनस का 2x² ये लिख दिया। अब जो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये तो 0 हो गया, ये माइनस के 3x² प्लस के 2x², तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा तो माइनस के x^2 ज़्यादा, ये प्लस 3x और -2। अब देखिए यहाँ पद कौन सा है -x^2, इस x को किससे गुणा करूँ कि -x^2 प्राप्त हो जाए, तो माइनस का x, तो माइनस के x से गुणा किया तो -x^2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को x से गुणा किया 2x, तो ये या माइनस का है तो प्लस हो गया या प्लस का है तो माइनस। अब देखो प्लस के 3x
माइनस के 2x, तो क्या बचा है वो प्लस का है, वो बचा x और ये माइनस का। अब देखो x माइनस दो है तो किससे गुणा करें कि x आ जाए, तो यहाँ गुणा है वो किससे कर लिया, यहाँ है वो इस संख्या से गुणा कर लिया एक से, तो यहाँ गुणा करने पर एक से गुणा करने पर वही पद प्राप्त होता है x माइनस दो। अब प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस, तो यहाँ क्या हो गया जीरो, तो जी एक्स का मान हो गया, हम लोगों को ये जी एक्स का मान प्राप्त हो गया, ये है तो एक्स का दो माइनस एक्स प्लस एक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है और पांचवा प्रश्न आप लोगों को ही करना है।